अभी एक NCRB की रिपोर्ट आई है ना, रिजन स्टैटिस्टिक्स 2016। सी एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2002 में क्या हुआ, सलमान खान का 8 रन केस था, ठीक है। नाउ अब इसमें हुआ क्या, पुलिस वाज इन्वॉल्व, ठीक है ना। अब मौके पर आप किसी को पकड़ोगे देन व्हाट विल यू डू, यू हैव टू डू अ वेरियस इन्वेस्टिगेशन कि वो बंदा चला रहा था या ऑटोमेटिक थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार, है ना। इफ यू वो ड्राइवर तो था ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अरेस्ट हुआ सलमान खान का, है ना। इसके बाद फिर अब क्या होगा, ट्रायल, ठीक है, ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद जो भी एट द एंड जज को उसको कहेगा वेदर इज कन्विक्टेड एंड ऑल दीस थिंग्स आर देयर, ठीक है। अभी तक तो अक्यूज्ड है जब तक वो सजा नहीं आता। अब ये तो अमीर बंदा है, नाउ ही फाइल द बेल एंड ही गेट अ बेल एट दिस पॉइंट, जहाँ पर उसको बेल मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो सेशन कोर्ट में उसको सजा हुई थी ना 4 साल की या 5 होगी थी, आई थिंक 7 ईयर है ना सजा हुई, देन ही मूव टू अ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने क्या किया उसको कि लैक ऑफ एविडेंस उसको फ्री कर दिया। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये तो 2002 से स्टार्ट हुआ और ये आई थिंक 2018 में आई वर्डिक्ट, जो नहीं यार फेवरेट नहीं है, 2002 to 2018, इसका मतलब 16 साल। अब 16 साल के बाद आपने ये बोला कि लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब ये तो इसके पास पैसा था, इसने बेल ले ली, अब ये घर में था और फिल्म एंड और किसी ने, अब इसकी जगह एक गरीबों के सलमान खान को रख के देख लो, है ना। अब वो क्या होगा उसमें, उसके पास उसको बेल तो नहीं मिलेगी, इट मीन्स वो अंडर ट्रायल रहेगा 16 साल, है ना। 16 साल के बाद वो जज कहेगा लैक ऑफ एविडेंस फ्री है, ठीक है, इट मीन्स दैट दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब वो तो अमीर बंदा था, उसको तो बेल मिल गई, उसकी कोई इतना लॉस नहीं हुआ, है ना। क्योंकि वो लोग तो कहते थे देख लो फिल्म में, अब कब पता नहीं कब ऐसे जेल में चले जाना है ना, तो एक्चुअली इंक्रीज हुई उसकी। तो यहाँ पर अगर गरीब बंदा है उसको तो बेल नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, हालांकि गवर्नमेंट ने दिए फ्री लीगल एड इज देयर, आई विल डिस्कस वो उसमें लूप होल कौन कौन से। ये आपको केस याद रह गया, इसके सिमिलर मैनर में आपने गरीब बंदा रख लेना, देन द ऑल थिंग्स आर सेम, बस ये है कि ये बाहर के अंदर है, वो भी बाहर के अंदर है, ठीक है, वो दूसरी में ये दूसरी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये बिहाइंड द बार होगा, वो इन द बार होगा, क्लियर। अगर तो पुअर पीपल है दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तो दिस इज अ मेजर इशू इन इंडिया। अभी रिपोर्ट जो आई है विच सेज दैट अराउंड 67% ऑफ द टोटल प्रिजनर आर अंडर ट्रायल, इसका मतलब ये है अभी उनको सजा नहीं हुई, और कई तो ऐसे हैं जितनी उनको टोटल होनी है उससे भी ज़्यादा अंडर ट्रायल ही है बैठे, ठीक है। अगर 5 साल की सजा है तो वो 6-7 साल से अंदर ही बैठा है, ठीक है। तो एक तो ये इशू है, तो इफ दे आस्क यू क्वेश्चन इन मीन्स, तो उसमें आपने अगर आप फ्लो चार्ट में मैं आपको हेडिंग दे देता हूँ, देन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग। एक आप इशू डिस्कस करोगे पुलिस लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नाउ इसका सोल्यूशन क्या है, इट इज़ अ पुलिस रिफॉर्म, उसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं, दैट इज़ अगेन अ लेंथी टॉपिक, वो आगे आगे चलेगा जैसे वो हम कवर कर लेंगे। सो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, पुलिस रिफॉर्म, ठीक है। नाउ जेल में प्रिजन में क्या है इशू, अंडर ट्रायल, ठीक है, अराउंड 67% आर देयर,
ये डेटा एग्जाम्पल लगा देते हैं, 67.3 है, लिखवा देते हैं। अब ये पहले समझ लोगे, इसमें अगर आपको इशू याद रहेगा यू आर एबल टू डिस्कस इन एग्जाम। अगर आप प्रोसेस से जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू द इशू फेसिंग बाय इंडियन फार्मर, तो अगर आपने प्रोसेस अभी से बना ली दैट पहले लैंड चाहिए, लैंड के लिए क्या है स्मॉल लैंड होल्डिंग इशू, उसके बाद क्या चाहिए फार्मर को इरीगेशन, सीड चाहिए, सीड से क्रॉप आएगी, क्रॉप से हार्वेस्टिंग होगी, हार्वेस्टिंग से क्या आ जाएगा, उसके बाद वो कोल्ड स्टोरेज के इशू है, कोल्ड स्टोरेज से वो बेचेगा, देन मार्केट का इशू है। तो ये प्रोसेस क्या है, फ्रॉम द सोइंग टू मार्केट, ये याद रहेगी अपने आप, देयर इज नो नीड टू रिकॉल। आपने देखा ऐसे सीधा लिखी है ना, क्योंकि रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। हमारा माइंड क्या करता है, जैसे वो एक होता है ना, आपने देखा होगा एक चीज़ को गिराते हैं सारी चीज़ें गिरती जाती हैं, दैट इज़ अ लिंक। अगर हम ये एस्टेब्लिश करें अपने माइंड में, तो आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन, आपने पुलिस से शुरू किया, आपको पता है पुलिस से उसके बाद अंडर ट्रायल जाएगा, अंडर ट्रायल के बाद जजेस का केस आएगा, अपने आप प्रोसेस जो हमारा माइंड है लिंक करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू इन अ दिस वे फ्लो चार्ट, जैसे एग्रीकल्चर का फ्रॉम द कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द लैंड टू मार्केट। अगर इंडस्ट्री की बात करूँ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, कि एजुकेशन और इंडस्ट्री का लिंक नहीं है, एजुकेशन उसके बाद इंडस्ट्री जाएगी, उसके बाद इंडस्ट्री की इनएफिशिएंसी और आउटपुट एंड ट्रेड जो भी होगा, ठीक है। सिमिलरली ऑल दीज थिंग यू कैन डू वेरी वेरी इजीली। अगर एक बार आपने अपनी कॉपी पर ये पूरा सेटअप कर दिया देन देयर इज नो नीड, बस एक वर्ड याद रखना पहला, उसके बाद बाकी सारा अपने आप आ जाएगा। नाउ द अंडर ट्रायल, ठीक है। अब अंडर ट्रायल इतने बंदे हैं तो क्या होगा, उसकी अक्यूपेंसी है ना मोर देन 100%, मतलब मोर देन 100% जितनी स्पेस है उससे भी ज़्यादा है इंडिया में, ऑन एन एवरेज इट इज 101.13, ठीक है। अब हेल्थ इशू आएगा, हेल्थ इशू इसमें भी डेटा क्या है, इट सेज दैट द सुसाइड रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस टू फ्रॉम द 2015 टू 2016। द रीज़न वो कहता है, एक रिपोर्ट आई है वो जो विच सेज दैट देर आर मोर चांसेस ऑफ अ सुसाइड द पर्सन हु इज देयर 1.5 times, कि वो 1.5 times उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सुसाइड करेगा, ठीक है, इन जेल। तो आउटर साइड में सुसाइड का केस नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद इशू क्या आएगा, ट्रायल। सी ड्यूरिंग द ट्रायल गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्री लीगल एड। अब इसमें इशू क्या है, फॉर एग्जांपल देखो बेल कितने टाइप की होती है, बेल पूरी नहीं दूसरी, उसमें एक तो होती है कैश बेल है ना, कि आपने पैसे दिए और आपको बेल मिल गई। सेकेंड श्योरिटी, कि वो दूसरा बंदा बोलता है कि अगर ये एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया, आई विल बेल, है ना, श्योरिटी बॉन्ड होता है। एक और होती है पीआर बॉन्ड। पीआर में क्या होता है, अगर जज को ये हो कि ठीक है इससे कम्युनिटी को कोई खतरा नहीं, वो जज वो दे देता है। लेकिन ये बेल अप्लाई कौन करता है, दीज आर गवर्नमेंट लॉयर्स, है ना, फॉर द पुअर पीपल, गरीब बंदों के लिए बात कर रहा हूँ। सलमान खान के लिए वो आएगा, क्या नाम था उसका यार, सालवे, फ्री लीगल एड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लॉयर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन देर इज अगेन डिफरेंस, इन त्रिपुरा लॉयर इज गेटिंग 1500 पर बेल अप्लाई करने के लिए 1500, आंध्र प्रदेश में 100 रुपये, इट इज़ 100 रुपीज़ इन आंध्र प्रदेश। तो इतने में कौन से लॉयर सिंसियर होंगे, इन न्यू दिल्ली इट इज़ 500, तो न्यू दिल्ली में 500 रुपया मिलता है भाई, बस है तो नहीं कि लॉयर लॉ वाला जानते, ठीक है, मतलब फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं कर रहा, ठीक है। सो इट मीन्स दैट गवर्नमेंट लॉयर आर गेटिंग लेस मनी। तो यहाँ पर अगर इफ़ यू इंक्रीज अ मनी फॉर देम, अगर इन रिमुनरेशन ही भाई 100 रुपये के लिए कौन फाइल करेगा, इतना वो प्रेजर में जाएगा, उसके साथ बात करेगा, बेल अप्लाई करेगा, एंड ही विल गेट 100 रुपीज़। तो ऐसे इतने में तो वो कहता है, वो भी पता नहीं है, ठीक है, ओल्ड गांधी सीरीज नोट, ठीक है, क्लियर है।
थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं जजेस पर। सी जजेस के केस में क्या है, ये एक एक क्वेश्चन है अपने आप में। वन इज जेल एंड ट्रायल का इशू है एंड जजेस का। जजेस के केस में क्या है, डिले है ना, पेंडिंग ऑफ केस अराउंड 2 करोड़ 75 लाख केस पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, ये अभी लिखवा दूंगा, पहले समझ लो आप पूरी प्रोसेस। द सेकंड थिंग इज दैट पर मिलियन पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूँ पर 10 लाख, पर 10 लाख इंडिया में जजेस की रेशो है 19 जजेस पर 10 लाख, बट इन 12 कंट्रीज कितनी है, अराउंड 30 to 50, किसी में 30 या 50। इट मीन्स दैट दे मोर जजेस इन 12 कंट्री एज कम्पेयर टू डेवलपिंग। तो डेवलपिंग में क्राइम ज़्यादा है 12 कंट्री से, ठीक है, बट जजेस आर लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। सो इट मीन्स दैट इफ अ पर्सन हैव टू गेट अ बेल, पुअर पर्सन की बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दें, ठीक है, ही हैव टू टेक अ लोन फ्रॉम अन फ्री लीगल एड सर्विसेज, उसको एजुकेट नहीं किया जाता, उसको एक तो एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई एक रूल है गवर्नमेंट का कि अगर हाफ, फॉर एग्जाम्पल किसी को 8 साल की सजा है तो उसका 4 साल से ऊपर खत्म हो गया, देन ही इज एलिजिबल फॉर बेल, ठीक है, उसको सजा नहीं हुई लेकिन उसने 4 साल से ज़्यादा वहाँ पे गुजार लिया, देन वो उसको फ्री कर देंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा को ये पता ही नहीं, पता नहीं वहाँ पे मन लग गया उनको, है ना, हो जाता है। सरप्राइज टू नो दैट कि जो ड्रग्स का प्राइस है दैट इज चीपर इन अ जेल, पता है आपको, ये इशू है इंडिया में, ड्रग्स का प्राइस जो जेल में है वो ज़्यादा सस्ती मिलती है वहाँ एज़ कम्पेयर टू होटल से, तो वहाँ पे कहीं तो जाते इसीलिए, और ये बहुत बड़ा इशू है ऐसा, पंजाब में तो चीपर है बाकी तो पता नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द प्रॉब्लम, अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, एक तो देखो सोल्यूशन भी सेम प्रोसेस में चलेगा, एक तो अंडर ट्रायल उनको रिलीव करो, पुलिस रिफॉर्म लाओ, देन यू हैव टू मेक अ मोर जेल्स। एक ओपन जेल का कंसेप्ट सुना है, इट वॉज स्टार्टेड इन राजस्थान, तो काफ़ी साल पहले स्टार्ट किया था। ओपन जेल में होता क्या है कि जो जिन्होंने माइनर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के भाई या किसी के फैमिली में किसी ने कत्ल कर दिया, वो रिवेंज के लिए कत्ल कर देगा, ठीक है, तो उसमें वो सोसाइटी को खतरा तो नहीं है, ठीक है, वो रिवेंज या कई बार थ्रेट होता है ना टू प्रोटेक्ट अवर फैमिली, तो वो बंदा काम कर देता है। ऐसे बंदों को यू कैन पुट देम इन अ ओपन जेल। ओपन जेल में होता क्या है, पर्सन विल बी देयर बट ही कैन गो आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब कर रहा है। बहुत से राजस्थान में मेरा टीचर वो ओपन जेल में है और टीचिंग करते हैं अपनी वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ नो ओपन जेल, ठीक है, तो अब वो जाते हैं और वापस आ जाते हैं, दे कैन ऑल्सो मीट देयर फैमिली। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब जेल में कोई बंदा एक काम एक दिन काम करता है, ही इज़ गेटिंग अ 20-30 रुपीज, है ना, तो बाहर काम करेगा ही इज़ गेटिंग अ बेटर, है ना, इट मीन्स दैट ही इज सर्विंग हिज फैमिली एट द सेम टाइम। एक तो वो सोसाइटी से कनेक्ट है, द सेकेंड थिंग इज वो अपनी फैमिली को सर्व कर। इट मीन्स दैट ओपन जेल जो, दिस इज़ अ सक्सेसफुल मॉडल इन राजस्थान, अब इंडिया में पूरे रिपीट करने की सोच रहे हैं। वो बहुत स्टेट गवर्नमेंट की है ना, अब स्टेट गवर्नमेंट कहेगी फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट ने ओपन जेल बनाई है, वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन करेगी कि भाई हाँ इसको जॉब इसकी वो छोड़ेंगे, ठीक है। श्योरिटी तो भगवान के भरोसे, अंदर क्या श्योरिटी हो जिंदा हो पाएगा, अंदर तो सुसाइड ज़्यादा है। देखो वो एक ऐसा देखते हैं कि फैमिली ठीक है उसकी बंदे की, वो भागेगा नहीं एंड ऑल दी सिंह, वो क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो सोसाइटी को थ्रेट नहीं है। अब जो बार बार फिर वो भेज देंगे वो फिर कत्ल करके आ जाएगा, फिर वो तो सीरियल किलर है ना पॉपुलर, ठीक है, उसी टाइप का, तो कौन सी फिल्म आई थी उसकी, ठीक है, तो वो उसमें वो तो अलग बात है ना, उसको नहीं फिर करेंगे, क्लियर, सारा इशू क्लियर। अब हाँ जी फॉर्म वाले आर्टिकल में
जम्मू कश्मीर में नहीं अभी नहीं करेंगे वो उसको अलग पड़ेंगे ठीक है चलो फिर लिखो समझ आया है इशू तो फ्लो चार्ट भी पढ़ना है हमेशा कि वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है इशू लिखो नंबर वन लैक ऑफ क्वालिटी लीगल एड इसमें लिखो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्री लीगल एड गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्री लीगल एड सर्विसेज टू नीडी पर्सन नीडी पर्सन बट वेरी लो पे टू लीगल एड लॉयर्स फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में कितनी है 100 पीस ठीक है इन त्रिपुरा इट इज 1500 आंध्र प्रदेश में 100 एंड इन त्रिपुरा इट इज 1500 एंड इन दिल्ली इट इज 500 सो इट मीन्स डैट वो अलग अलग सारे किसी ने 100 रुपये वाले को तो बेल मिलेगी नहीं है ना जब यार इतना तो लॉयर अपने कोर्ट को प्रेस करने में टाइम लगा ठीक है सेकेंड इज फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ बेल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ बेल इसमें एक लिख लो सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी 436 सीआरपीसी देखो दो चीजें वन इज अ 436 एंड अनदर वन इज अ 436 ए 436 A is for a major cases and 436 is for a minor cases. लेकिन गवर्नमेंट फोकस कर रही है ऑन मेजर केसेस तो जिसने माइनर थोड़ा सा ऐसे चाकू की धार चेक करने के लिए काम किया है तो उसको भी वो जेल में ही पड़ा हुआ है ठीक है इट मीन्स दैट कि मेजर केसेस वाला बंदा है जो आप उस पर फोकस कर रहे हैं जो माइनर केसेस हैं यू हैव टू फोकस ऑन दैट क्योंकि वो तो छोटे मोटे क्राइम है उसको तो कम से कम छोड़ो है ना तो इसमें हम लिखेंगे सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी इसमें लिखो इफ अंडर ट्रायल अरेस्टेड इन अ माइनर ऑफेंसेस इफ अंडर ट्रायल अरेस्टेड इन अ माइनर ऑफेंसेस कंटिन्यू टू लैंग्विश एल एन जी यू आई एस एच इन अ प्रिजन कंटिन्यू लैंग्विश इन अ प्रिजन फॉर मोर देन अ वीक मोर देन अ वीक आफ्टर हिज बेल ऑर्डर हैज बीन पास्ड फुल स्टॉप आफ्टर हिज बेल ऑर्डर हैज बीन पास्ड फुल स्टॉप ही कैन बी रिलीज्ड ऑन पीआर बॉन्ड पीआर का मतलब क्या है पर्सनल रिकॉग्नाइजेंस ठीक है पर्सनल पीयर बॉन्ड में होता क्या अगर वो देखता है जज कि अगर इफ ही इज नॉट अ थ्रेट टू अ कम्युनिटी पीयर बॉन्ड कैन बी इशू पीयर बॉन्ड में पैसा देना होता है नहीं अगर वो सपोज करो एक बंदे को पीयर बॉन्ड पे हमने छोड़ दिया जज ने कि ही इज नॉट अ थ्रेट टू कम्युनिटी तो वो हियरिंग के लिए कोर्ट में आ जाएगा अगर वो नहीं आता देन ही हैव टू पे और बेल अमाउंट ठीक है अदरवाइज ठीक है तो ये गरीबों के लिए है ना बट मिलता ही नहीं ठीक है 436 एक सीआरपीसी इफ अंडर ट्रायल कंप्लीटेड मोर देन 50%
completed more than 50% of maximum sentence. If under trial completed more than 50% of maximum sentence, that can be awarded to him. That can be awarded to him, comma, he or she shall be released on peer bond. अब ये 430, he or she shall be released on peer bond. Now, one is a 436, another one is a 436 A. दो केसेस हैं. This is for major offence. ठीक है? अब ये वाला किसके लिए है? Minor offence. Now, these both are. So, in which we can say section? The Supreme Court have to focus. It is 436, है ना? क्योंकि minor crime है जो उनको आप release करो. But instead of this 436, it is focusing on 436 A, which is during the major offence. तो यहाँ पर problem है minor offence वाले तो अंदर ही बैठे हैं, ठीक है? So देखो Supreme Court orders gave more emphasis on 436 A. More emphasis on 436A. While majority under trials are under 436. ठीक है? While the majority under trials are under 436. Clear? मतलब majority आपकी कहाँ पे under trial? Under 436. एक number. Then they are accused of minor offences, तो इनको रिलीज करना चाहिए. But the government is focusing on this 436 A. It means ये गलत है, है ना? That we have to focus on this. इनका रिलीज होने का चांस ज़्यादा है. तो इससे क्या होगा? जो जितना भी congested है हमारा, ठीक है? जेल, वो ज़रा कम हो जाएगा. The third point is long time trial process. Long time trial process. इसमें है वेरी पुअर जज पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया. वेरी पुअर जज पॉपुलेशन इन इंडिया कितनी है? 19 जजेस पर 1 मिलियन, 10 लाख पर 10 लाख, ठीक है? और डेवलप कंट्री की रेशियो कितनी है? 35 टू 50 पर मिलियन. इंडिया कितनी है? इट इज 19 पर मिलियन. एंड डेवलप कंट्रीज की 35 टू 50 पर मिलियन. तो यहाँ पर रेशियो का देखो, एक तो हमारे है ही क्रिमिनल ज़्यादा, है ना, इंडिया में, तो दूसरा जजेस में कम है. रिपीट करो, 19 पर मिलियन इन इंडिया एंड डेवलप कंट्रीज इट इज 35 टू 50 पर मिलियन, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन रीजन हो गए, फैक्ट लिख लेंगे हम, तीन चार हैं जो भी आपने वैल्यू एडेड करना होगा. वन इज हेडिंग करो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. देखो एक रिपोर्ट आई थी विच गेव अ वेरियस डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट कि आपको क्या एक्शन लेना है, टू लीगल एड फ्री सर्विसेज इनको क्या एक्शन लेना है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऐसे. तो जो फर्स्ट डायरेक्शन उन्होंने दिया दैट इज टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनको क्या बोला, स्टैंडर्डाइज द रिम्यूनरेशन पेड टू लीगल एड लॉयर, ठीक है? अब वो 1500, हाँ जी, स्टैंडर्डाइज लीगल एड रिम्यूनरेशन टू लॉयर्स. अब इसमें है क्या, अब जैसे मैंने बताया आपको 1500 इन त्रिपुरा एंड 100 इन दिस, सो आपको एक स्टैंडर्डाइज कर दो ना, एक इतनी हो कि वो कम से कम खुश हो बेल देने के लिए, है ना? बेल फाइल करने के लिए अभी तभी करेंगे, ठीक है? द सेकंड इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को क्या बोला, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसको बोला है सेटअप कंप्यूटराइज डाटाबेस,
सेट अप कंप्यूटराइज डेटाबेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर प्रिजनर्स सेट अप कंप्यूटराइज डेटाबेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर प्रिजनर्स जैसे वो अगर कोई मेक्सिको की वॉल से अमेरिका जाता है उसको क्या करते हैं कोई है किसी का फ्रेंड गया उसके वो एक रिंग टाइप होता है पैर में डाल देते हैं ना टू ट्रैक हिम वो जाता है जो भी अपना काम वगैरह करता है वापस आ जाता है सो यू हैव टू डू अ सिस्टम अब इंडिया में तो वो बाहर ही नहीं जाने देते तो भी भाग जाएगा तो अगर हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम हो वी कैन ट्रैक दैट पर्टिकुलर पर्सन जैसे चंडीगढ़ में क्या करते हैं आजकल वो गाड़ियाँ जो साइड पर खड़ी होती हैं वो है ना एक इनको क्या कहते हैं उसको क्लैंप वगैरह तो उसको टायर को लगा देते हैं ना कहीं तो वो टायर ही खोल के डिक्की वाला लगा के निकल जाते हैं बट अब इन्होंने दो दो लगाने शुरू होते हैं दो दो टायर रखना ठीक है द थर्ड वन इज स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट अब स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को क्या होता है कोलैबोरेट विद द स्टेट लीगल सर्विसेज कोलैबोरेट विद स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कोलैबोरेट विद स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज to ensure that legal aid provided at a time of arrest legal aid provided at a time of arrest it means that agar suppose karo koi banda jail mein gaya then it is a responsibility of the state police to inform all these things usko bhi information diye aur legal aid bhi usko provide kare taki wo starting mein bail le le hai na to aisa hai to hai nahi aise chalo haan ji कोई है रह गए अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की 2013 गाइडलाइन नेक्स्ट वन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2013 गाइडलाइन दीज ऑल आर सॉल्यूशंस ठीक है कुछ लिया है पाँच मिनट दूंगा मैं दैट इज नॉट वन इज कॉन्स्टिट्यूट रिव्यू कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट constitute review committee in every district the second is prison superintendent should conduct a survey prison superintendent should conduct a survey of all cases where of all cases where under trial prisoner have completed more than 1/4 of their maximum sentence iska matlab jitne log bhi 1/4 se sentence se zyada complete kar liye you have to track them uska data ho क्योंकि 50% से ऊपर जाएगा देन दे कैन रिलीज है ना अगर हमारे पास डेटा ही नहीं उसको वैसे जेल में रख के पागल करते हैं वो कहता कब आया था कहता 1000 साल पहले उसको पता ही नहीं है कि मेरी कितनी हो गई कितनी नहीं ठीक है तो एक जो सोल्यूशन फॉर भी है ओपन जेल ठीक है ओपन जेल सिस्टम विच इज सक्सेसफुल इन राजस्थान ओपन जेल विच इज अ सक्सेसफुल मॉडल इन राजस्थान अगर दिल दिया तो पढ़ लेना आप इंटरनेट पर पढ़ा हुआ कि उसमें कैसे हुआ ठीक है अब चार पॉइंट लिख लो डेटा के क्योंकि वैल्यूएशन इज मस्ट अंडर ट्रायल की कितनी वैल्यू है 67.7% आउट ऑफ टोटल प्रिजनर हमारे अंडर ट्रायल कितने हैं 67.7 अब यूएस के कितने 20% यूएस के 20% है हमारे कितने हैं 67.7% अगर मैं एजुकेशन की बेसिस पर बात करूं तो जो इलिटरेट हैं इलिटरेट प्रिजनर में टोटल प्रिजनर में दे आर 28% हाँ जी इलिटरेट अनपढ़ इट इज 28% ठीक है अब अनपढ़ 28% है एंड दोज हु आर लेस देन 10th जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए दे आर 42% ऑफ अ टोटल इसका मतलब 42% वो है जो 10th
टेंथ क्लास से नीचे तक पढ़े हैं, है ना, प्राइमरी शिक्षा अभियान, और इलिटरेट कितने हैं, 28%, टोटल कितने हो गए, 70%। तो 70% हमारे ऐसे हैं, और टेंथ क्लास पता ही है, है ना, ठीक है। अब प्रिजन स्टाफ, यहाँ पर प्रिजन स्टाफ का एक स्टेप और आएगा, प्रिजन स्टाफ हमारा कितना है, इट इज जस्ट 65%, प्रिजन स्टाफ इट इज जस्ट 65% ऑफ टोटल, ठीक है, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है प्रिजन स्टाफ की, हमारा प्रेजेंट कितना है 65, इसका मतलब वैकेंसी कितनी है 35%, ठीक है। प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 113.7 प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट, आइडियली कितना होना चाहिए 100%, है ना, उससे भी ज़्यादा है हमारा ऑन है 113.7%। अब सुसाइड रेट कितना इंक्रीज हुआ है, बाय 28% 2015 to 2016। तो आपको ये याद रखना है, वन इज एट अ स्टार्टिंग, वो जेल में जाएगा, है ना, वहाँ पर क्या खातिरदारी होती है, उसकी स्टाफ कितना है, एंड देन द वेरियस इशू, हेल्थ की प्रॉब्लम, ऑक्यूपेंसी, देन ही हैव टू अप्लाई बेल, उसमें रिम्यूनरेशन कम है, उसके बाद फर्दर स्टेप क्या होगा, जजेस के पास जाएगा, लेकिन जजेस की रेशियो हमारी इतनी अच्छी नहीं है ना, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गो विद द फ्लो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।